एक दिन राजू को एक मैसेज आता है उसके फोन के ऊपर कि अगर 2 दिन के अंदर उसने अपना केवाईसी जो है उसको अपडेट नहीं किया तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। राजू घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। जब वो उस लिंक के ऊपर बार बार क्लिक करता है तो वो लिंक ओपन नहीं होता है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता है, ट्रिंग ट्रिंग, उसको कॉल आती है और कॉल पे दूसरी साइड से कहा जाता है कि शायद आप अपने केवाईसी को अपडेट कर रहे हैं और वो अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोड आ रहा है वेबसाइट पे, काफ़ी लोग अपने डेटा को अपडेट कर रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ, और आप अपना जो पासवर्ड है और जो आपकी आईडी है वो मेरे साथ शेयर करिए, आपको एक ओटीपी आएगा उसको शेयर करिएगा और मैं मैनुअली यहाँ से आपका जो केवाईसी है उसको अपडेट कर दूंगा। तो राजू अपने सारे डिटेल्स उसके साथ शेयर कर देता है। उसकी थोड़ी देर बाद उसको थोड़ी राहत की सांस आती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 50,000 रुपीज़ डिडक्ट हो चुके हैं। वो घबरा जाता है, उसके साथ फ्रॉड हो चुका था। फ्रॉड। वो दोबारा से उस फोन नंबर पे कॉल करता है जिससे उसको कॉल रिसीव हुई थी, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता है या फिर वो नंबर डीएक्टिवेट हो चुका होता है। ये बहुत ही कॉमन तरीका है फिशिंग का, साइबर क्राइम का। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि कभी भी किसी भी अननोन वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करना है। कोई भी शख्स आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए कहता है तो अपने पेरेंट बैंक में जाके अपडेट करिए या आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है उससे कांटेक्ट करिए। आप ध्यान रखेंगे, आप सचेत रहेंगे, तभी आप इस तरह के चीज़ों से बच सकते हैं। अगर फिर भी किसी के साथ इस तरह का क्राइम हो जाता है तो cybercrime.gov.in पे उसको रिपोर्ट करें, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, इस तरह की जानकारी सब तक पहुंचाइए ताकि ये देश सुरक्षित रहे और आप सब जानकार बने। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड।